नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस 27 जनवरी 2019 को एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर हमारे पास है, और हिंदी में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उनका सटीक आंसर क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बात और देखा हमने इस पेपर में कि जितना हिंदी का हमने आपको व्याकरण पूरा प्रोवाइड कराया था, जितनी भी वीडियो हमने अपलोड की थी उसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपने हमारी वीडियो देखी रही होगी तो निश्चित तौर पे काफ़ी क्वेश्चन आपने सही किए होंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो 114 नंबर से यहाँ पे हिंदी स्टार्ट थी इस सेट में, आप अपने इस सेट में क्वेश्चन को खोज लीजिएगा। इसमें था कि निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। तो ये तो आसान क्वेश्चन था दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया था कि पत्थर का जो सही समान शब्द वाला क्या होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा पाषाण। आगे अगला क्वेश्चन तो आया था दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद को उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इन्होंने दिया था रघुपति राघव राजा राम। अगर आप हमारी वीडियो देखे होंगे दोस्तों यहाँ पे अलंकार की, तो वहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल हमने आपको बताया था कि ये बहुत ही फेमस और बहुत ही आसान एग्जाम्पल है। ये जो है यहाँ पे राइट आंसर जो होगा अनुप्रास अलंकार होगा। यहाँ पे देखिए कि प्रत्येक शब्द में पहला ये अक्षर जो रा 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 ये सब जो है इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, और जहाँ पे पुनरावृत्ति होती है अक्षरों की वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। इसको हमने आपको बताया था और एग्जाम्पल भी हमने अपनी वीडियो में आपको बताया था। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों को सही अव्यय के भेद हो। अव्यय का भेद बताना है। यहाँ पे इन्होंने पूछा है सीता के आगे रमा खड़ी है। अब यहाँ पे इन्होंने के आगे अंडरलाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे अव्यय अगर देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे पूरा सेंटेंस अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे के आगे जो है ये रमा और सीता के बीच संबंध को बताती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा संबंध बोधक अव्यय होगा। जहाँ भी आपको के आगे के पीछे से नीचे से ऊपर इस तरह से अगर कोई शब्द जुड़े हुए हों अव्यय से, तो वो जो होंगे संबंध बोधक अव्यय होंगे। यहाँ पे राइट आंसर होगा संबंध बोधक अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है घूमना सुबह अच्छा है। इसको आपको एकदम शुद्ध रूप में इस वाक्य को बैठाना है। तो यहाँ पे जो सबसे सटीक यहाँ पे शुद्ध बैठता है सुबह घूमना अच्छा है, चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। और यहाँ पे हम आपको दोस्तों बता दें कि यदि आपने यूपी पुलिस का पेपर दिया है तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। यदि आपने नहीं दिया है फिर भी आप कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, क्योंकि ये हिंदी के क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको जो है किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे और इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके प्रिपरेशन के लिए जितनी भी सटीक अच्छी से अच्छी वीडियो हो सकती है उसको हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 118 नंबर का क्वेश्चन जो था यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। यहाँ पे आपको गिनना था, और मात्रा गिनना हमने आपको बहुत अच्छे से बाई रूल बताया हुआ है, छंद वाली वीडियो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे करते अभिषेक पयोध हैं। अब इस पूरे एक चरण को आप गिनिए इसमें कितनी मात्राएं हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एक दो, और ते में दो हो जाएगी, यानी इसमें पूरा तीन चार मात्रा करते में हो गई, चार पाँच छः, छः दो आठ, नौ दस, दस दो बारह, एक 13 और दो 15। इसके पहले चरण में 15 मात्राएं हैं। तो ऑप्शन आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो है जिसमें 15 की बात की गई हो, केवल पहले के छोड़ के। तो यहाँ पे पहला राइट आंसर होगा। इनको सी और डी ऑप्शन तो सेम इन्होंने दे दिया है, बाद में हो सकता है इसमें संशोधन करें, लेकिन इसमें पहला ऑप्शन जो है 15 चरण मिल रहे हैं तो हमने पहला इसमें सही मान लिया है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। अंक भरना, इन्होंने जो है मुहावरा दिया है अंक भरना। अंक भरना मुहावरे का अर्थ होता है लिपट जाना, लिपट जाना यानी कि गले लगना। यहाँ पे सटीक आंसर जो होगा दूसरा होगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा
गले लगना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। हमने इसको आपको अच्छे से बताया था कि श्रृंगार रस के दो रूप होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा श्रृंगार रस। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिशा निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, ये वाच्य का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे इन्होंने इसको कर्म वाच्य में आपको बदलना है, जैसे हम लोग इंग्लिश में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करते हैं, तो इसको पैसिव वॉइस में अगर आप बदलेंगे, कर्म वाच्य में बदलेंगे, पिताजी पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, ये जो है यहाँ पे राइट आंसर इसका यहाँ पे निकल के आता है, तो इसका पहला आंसर जो है यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है। योजक चिन्ह जो है, हमने आपको बताया था कि योजक चिन्ह ज़्यादातर युग्म वाले शब्दों के बीच लगते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों योजक चिन्ह अगर देखा जाए तो दो ही ऑप्शन में यहाँ पे लगाया गया है, पहले और तीसरे में, तो यहाँ पे पहला ही सही होगा, शिवाजी और शिवेश भाई बहन हैं, ये योजक चिन्ह है जो बीच में लगा है भाई और बहन के बीच, तो यहाँ पे सही होगा। जबकि जो तीसरा ऑप्शन इन्होंने दिया है, रोहन ने कहा, तो यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था, उसके बाद मुझे पढ़ाई करनी है, योजक चिन्ह यहाँ पे नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग, कौन सा आता है, 124 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 123 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे इन्होंने दिया कि निम्नलिखित प्रश्न चार विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। इन सप्त सिंधु का आपको समास विग्रह करना है क्या होगा, तो सात नदियों का समूह जो है सप्त सिंधु कहलाता है, तो ये अगर इसमें समास पूछा जाता तो ये द्विगु समास होता, लेकिन यहाँ पे केवल विग्रह है, तो सात नदियों का समूह हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में दिए गए जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द या वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प, यानी एक अर्थ एक शब्द वाले विकल्प का चयन करना है। इन्होंने दिया है उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला होता है कृतज्ञ, यहाँ पे राइट आंसर होगा पहला। अगर यहाँ पे होता कि उपकार को ना मानने वाला, तब यहाँ पे ऑप्शन होता कृतज्ञ। आगे हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का अर्थ है, उस शब्द को चुनिए। तो कनक का जो है अनेकार्थी शब्द जो है कनक है, इसका अर्थ क्या होता है बताना है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। यहाँ पे कारक पहचानना है, बोतल में दूध बचा है, अब में चिन्ह है किस कारक का है, अधिकरण कारक का, अधिकरण कारक का कौन कौन सा चिन्ह है, में पर और पे, तो में जो है अधिकरण कारक यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचानिए। अब यहाँ पे क्रिया का सही रूप पहचाना है, स्कूल बस 5 मिनट में, आगे खाली स्थान है, और यहाँ पे इन्होंने दिया है कि सामान्य भविष्य काल में बताना है, तो सामान्य भविष्य काल में क्या होगा, स्कूल बस जो है 5 मिनट में आएगी, इसका दूसरा ऑप्शन जो है ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 128 नंबर का है, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के रचना के आधार पर उनके भेद बताइए। अब यहाँ पे रवि दीवार रंगने लगा है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा संयुक्त क्रिया, इसमें दो क्रिया का प्रयोग, रंगने और लगा है, दो क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे संयुक्त क्रिया राइट आंसर होगी। अगला होगा, निम्नलिखित चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है, स्त्रीलिंग बताना है हंस का। अब हंस का स्त्रीलिंग क्या होता है, हंसिनी। अब हंसिनी जो है आपको यहाँ पे शुद्ध वर्तनी भी इसकी चयन करनी है, तो पहला राइट आंसर होगा हंसिनी, इसका होगा हंस का स्त्रीलिंग होता है हंसिनी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से जो है सही पुल्लिंग वाला विकल्प चुनना है, तो कुम्हार जो है, अब इसका सही जो होता है वो होता है कुम्हारिन, सेकेंड ऑप्शन जो है इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप बताना है चुटिया का, तो चुटिया का होता है चुटिया, पहला ऑप्शन जो है ये सही होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे कृपण कृपण लिखा गया है, कृपण जो है इसको अलग अलग शब्दों में हमको बांटना है कि प्रत्येक वर्ण इसका कैसे कैसे मिलकर बना है, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा, फोर्थ ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित चार विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। ये तो बहुत ही आसान था, पहला ऑप्शन इसमें सही है, कृष्ण की वर्तनी जो है पहले ऑप्शन में वो सही है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था, 135 नंबर का, सॉरी 134 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, हमने अपनी आपको जल्दी ही विशेषण पढ़ाया था, उसमें हमने बताया था कि वे शब्द जो विशेषण शब्द की विशेषता बताते हैं उनको प्राविशेषण कहते हैं, और एग्जाम्पल में एकदम यही एग्जाम्पल हमने बताया था बहुत शब्द को लेकर, कि जो यहाँ पे इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि ऊंचे ऊंचे जो है ये तो विशेषण है, लेकिन विशेषण की विशेषता यहाँ पे कौन सा शब्द बता रहा है, बहुत। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन जिसमें बहुत है, तो बहुत जो है ये इसे प्राविशेषण कहते हैं जो कि विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, तो यहाँ पे बहुत शब्द होगा। तो आपने अगर हमारा दोस्तों वीडियो नहीं देखा है, पूरा हिंदी व्याकरण इस चैनल पे कंप्लीट अपलोड है, आप पूरा व्याकरण देख सकते हैं, और निश्चित तौर पे आप अगर उसमें देखेंगे तो इस पेपर को अगर आप देखेंगे तो कितने क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए हैं, और जिन लोगों ने वीडियो देखा होगा उनका निश्चित तौर पर पेपर अच्छा हुआ होगा। आगे देखते हैं दोस्तों 135 नंबर क्वेश्चन में, कि चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसको भी हमने एकदम एज इट इज आपको बताया था सर्वनाम पढ़ाते समय, कि सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन इनका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सबका नाम, यानी कि पहला ऑप्शन जो है इसमें सही होगा, सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों 136 में, कि कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना नहीं है। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन सही होगा दोस्तों, अंधा युग। अंधा युग जो है ये धर्मवीर भारती जी की रचना है, ना कि मुक्तिबोध जी की, बाकी सभी मुक्तिबोध जी की रचना है, तो पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला देखते हैं दोस्तों, कि निम्नलिखित चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है। तो पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई की ही सबको पता होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक, बहुत ही फेमस बुक है सत्यार्थ प्रकाश, और इसका राइटर जो राइटर हैं वो हैं दयानंद सरस्वती जी। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, कि हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों भाषा संस्कृति के लिए, और वर्ष 2017-18 का जो है जावेद अख्तर जी को दिया गया है ये सम्मान, जावेद अख्तर को मिला है वर्ष 2017-18 के लिए, और ये भाषा संस्कृति में दिया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 140, जो एक पैसेज था ये पैसेज आप पूरा देख लीजिए, अगर आपको पूरा पैसेज देखना है तो इसको आप यहाँ से हम आपको दिखा देते हैं, पूरा एक पैसेज आपको इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें से चार पांच क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके हम आपको आंसर बता देते हैं, अगर आपको पढ़ना है तो आप वीडियो रोक के इसको पढ़ सकते हैं। आगे हम आपको इसके क्वेश्चन दिखाते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया है कि सामाजिक आर्थिक बदलाव में किस तरह वाहनों को प्रभावित किया है। तो यहाँ पे जो इस पैसेज के अनुसार राइट आंसर होगा, हल्के वाहनों का प्रयोग होने लगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पे 140 में सही होगा। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों 141 नंबर का क्वेश्चन क्या यहाँ पे पूछा गया था, कि घोड़ों के पैरों को किस रूप से सजाया जाता है। इस पैसेज के अनुसार ही हमें आंसर देना है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा, काशीदकारी युक्त वस्त्र जो है घोड़ों के पैरों में पहनाए जाते थे। आगे था कि तांगा किस रूप से इक्के से अलग है, तो यहाँ पे है भारी व बड़ा वाहन है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 143 देखते हैं दोस्तों, कि परिवहन के साधन का इस्तेमाल किसके अनुरूप किया जाता है, तो यहाँ पे सामाजिक प्रतिष्ठा, यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं तांगे और इक्के के कितने प्रकार हैं, तो तीन प्रकार बताए गए हैं इस जो है गद्यांश में। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि 145 में, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में उस विकल्प का चयन करिए जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाए दिखावा, बाकी सभी जितने शब्द हैं वो उपसर्ग उसमें प्रयुक्त किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें जो है 146 में बताना है कि कौन सा विकल्प है जो प्रत्यय से बना है। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसलिए इसका आंसर हम आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे, तो आप इसका आंसर भी खोज लीजिएगा, हम आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित
प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनना है। तो स्वार्थ का विपरीत यानी विलोम बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा स्वार्थ का परमार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो पूछा गया था हिंदी का, कि संधि से क्वेश्चन था। यहाँ पे हम लोग को बताना है कि निम्नलिखित जो है संधि विच्छेद जो बताई गई है, अत्यधिक अत्यधिक का जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अतिधन अधिक। यहाँ पे यण संधि है, और संधि में अच्छे से हमने आपको बताया था कि जो है अत्यधिक कैसे जो है संधि विच्छेद किया जाता है और कैसे ज्ञात किया जाता है कौन सी संधि है। आगे देख लेते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से हम लोग को सामासिक युग्म बताना है। तो आचार दिया है, आचार का होता है चाल चलन। यहाँ पे जो सही युग्म होगा इसका चाल चलन हो जाएगा। आगे लास्ट क्वेश्चन था कि दुविधा बताना था किस प्रकार से समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है दुविधा का। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा धर्म संकट, यानी कि जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा धर्म संकट। तो दोस्तों ये इतने क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे यूपीपी में हिंदी से। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आई होगी, और समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और निश्चित तौर पे आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए यदि आप जो है किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। तो दोस्तों